How are you? All well? कैसे हो तुम लोग सारे? एक चीज है, देखो गाइस, होता क्या है ना, सिविल सर्विसेज एग्जाम का एक फंडा ये रहता है, आपको ना कभी भी ये फील आएगा ही नहीं कि आपका सिलेबस जो है ना एकदम से आपके टिप्स पे है। हमेशा आपको ये लगता रहेगा कि अब ये कमी रहेगी, अब ये कमी रहेगी, अब ये कमी रहेगी, अब ये करना रह गया, है ना। तो आइडली होता क्या है कि आपको टेस्ट वगैरह हमेशा देते रहने चाहिए, ठीक है। टेस्ट हो गया, एग्जाम्स हो गए, उनसे आपको पीछे नहीं हटने का है ना। ओ स्वपन ने अभी तक तो काफी कुछ कर लिया था, है ना, काफी कुछ हो गया है अपना इकोनॉमी में। जो नोट्स मैंने अपलोड करे थे पढ़े, समझ आए? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक भी हैं, एक दो छोटे छोटे ना, जहां पे मतलब मेन रट्टा ही था, तो मैंने क्या किया है वो आपको नोट्स में डाल के दे दिए, ठीक है। तो क्लास में मैंने एज इट इज ज्यादा नहीं खींचा है, बट उसमें नोट्स में मैंने दे दिया है, पढ़ उठा करके, है ना। बहुत सिंपल थे, क्रिस्प है, और जितना भी नोट कर लो, चाहे प्रिंट करके रख लो, वॉट एवर, आई थिंक नोट करके रखोगे तो ज्यादा बेटर है। अगर अपने हाथ से लिखते हो ना तो चीजें ज्यादा याद रह जाती हैं, अगर आप उनको प्रिंट करा के रख लोगे तो वो एक तरह से और एक पीडीएफ हो जाएगा। हाँ, उसको लॉन्ग टर्म में तो भूल ही जाओगे। आइडली उनको संभाल के मतलब प्रिंट की जगह लिख ही लो तो ज्यादा बेटर है। जो उसमें चार्ट्स वगैरह है ना, जो उसमें मैंने डायग्राम्स बना वगैरह बना के रखे हैं ना, तो उनके लिए थोड़ा सा देख लेना। ओके, सो अपन लोग अभी तक कर चुके हैं, हम लोगों ने बाटर वाटर कर लिया है ना, कमोडिटी मनी कर ली थी, मेटल कॉइन कर लिए, और टोकन कॉइन्स भी हमने कर लिए, हमने पेपर मनी भी कर लिए है ना। पेपर मनी में हमने फियाट मनी किया था, है ना, वैधानिक मुद्रा, लीगल टेंडर किया था, है ना, उससे जुड़े क्वेश्चंस भी कर लिए थे, है ना। हमने चेक वेक भी कर लिया है, ठीक है, चेक किस तरह से प्रोसेस होता है, चेक के टाइप्स क्या थे, चेक में क्या क्या हमको दिखता है ना, वो भी अपन लोग कर चुके थे, है ना। चेक क्लियर कैसे होता है ना, वो भी हमने कर लिया था। चेक ट्रंकेशन सिस्टम जो हमने आज की लेक्चर में है, तो वो भी हमने पहले ही कवर कर लिया है कि चेक क्या होता है। चेक जब आपको कोई चेक देता है तो आप उसे अपनी बैंक में डिपॉजिट कर देते हो, है ना। बैंक क्या करता है, एक सिस्टम के थ्रू चेक की कॉपी उस पे अपलोड कर देता है, ठीक है, और जिस बैंक का चेक होता है वो बैंक उसको ले लेती है। तो ये कोई फिजिकली आदान प्रदान नहीं होता है चेक्स का, है ना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था पॉजिटिव पे मैकेनिज्म। पॉजिटिव पे मैकेनिज्म क्या था, पॉजिटिव पे मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, जो आप जो चेक इशू करने वाला है वो क्या करता था, अपनी चेक की जो फोटो लिख जो चेक लिखता है उसकी फोटो अपनी बैंक को भेज देता था, ठीक है, ताकि कुछ ऐसा ना हो कि कहीं कोई फ्रॉड होने का चांस रहे, है ना, कुछ रहे। तो वो क्या करता था, उसकी बैंक क्या करती है, बेसिकली जो चेक उसके पास दोबारा कॉपी के थ्रू आता ना, ठीक है, उसको क्या करती है, वो वैलिडेट करती है जो यूजर ने पहले लिख के उसको दिया रहता है, ठीक है। अगर दोनों चीजें मैच कर जाती हैं, चेक मैच कर जाता है, डिटेल्स मैच कर जाती हैं, और बाकी सारी चीजें ठीक होती हैं, सिग्नेचर्स विग्नेचर्स मैच हो रहे होते हैं, अमाउंट अगर जितना चेक में लिखा है उतना अकाउंट में है ना, तो क्या होता है, चेक आपका भुन जाता है ना। तो आज अपन ने पढ़ना है, ठीक है, एनपीसीआई, और एनपीएस एनपीसीआई पढ़ने से एक टॉपिक अपन का पीछे रह गया है, ठीक है, जो है आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। तो हमने आरटीजीएस तो कर लिया था, हमने एनईएफटी भी कर लिया था, बट अपन का रहता है अभी आरटीजीएस, ठीक है, सो सॉरी आईएमपीएस रहता है। सो आईएमपीएस मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो आरटीजीएस है ना, या फिर एनईएफटी है, आरटीजीएस एनईएफटी दोनों कौन देता है, आरबीआई करवाता है। ये आरबीआई उसको, इस फंक्शन को कौन देता है, आरबीआई देता है, ठीक है, हमने ये पहले
मैंने आपको बताया था और हमने पढ़ा भी है, ठीक है। मैंने आपको साथ में बताया था कि जो आईएमपीएस है, जो पेमेंट ट्रांसफर हम करते हैं आईएमपीएस के थ्रू, जो पेमेंट आईएमपीएस के माध्यम से जो ट्रांसफर होती है, ठीक है, वो कैसे होती है, वो एनपीसीआई सर्विस को एनपीसीआई देता है, ठीक है। जो भी प्लेटफॉर्म रहेगा, टेक्नोलॉजी रहेगी, वो सारा कुछ कौन कर रहा है, एनपीसीआई कर रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सो बेसिकली होता क्या है, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है, ठीक है। सो अपन ने देखा था, है ना, उस पे क्या होता है, 30-30 मिनट्स का सेटलमेंट होता है ना। हर आधे आधे घंटे में क्या होता है, इसका निपटान होता है। ये अपन ने पढ़ा था, ठीक है। आरटीजीएस क्या होता है, तुरंत होता है, इमीडिएट होता है, तुरंत होता है, ठीक है। आईएमपीएस जो है, ये भी क्या हो रहा है, तुरंत होता है। जैसे ही आपने आईएमपीएस के थ्रू पैसे ट्रांसफर करें, तो वो इमीडिएटली दूसरे बंदे के पास पैसा जो है पहुंच जाता है। ठीक है। सो एनईएफटी हर आधे घंटे में हो रहा था, हमने देखा था, ठीक है। और आपका आरटीजीएस जो है, इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर हो रहा था। एनईएफटी में हमने देखा था कि मैक्सिमम आप 10 लाख रुपए कर सकते हो, मिनिमम कोई ऐसा कुछ नहीं था कि आप मिनिमम कितना कर पाओगे, मिनिमम कुछ भी अमाउंट चलेगा, और आपका मैक्सिमम अमाउंट जो रहेगा वो 10 लाख रुपए रहेगा। ये हमने एनईएफटी में पढ़ा है ना। आरटीजीएस जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो मिनिमम अमाउंट कितना था, कम से कम अमाउंट कितना होना चाहिए, कि उससे कम रहेगा तो आप आरटीजीएस नहीं कर पाएंगे। दो लाख रुपए है ना, तो ये था कि आरटीजीएस में आप 2 लाख से कम का पेमेंट आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे। मिनिमम अमाउंट जो है, कम से कम अमाउंट जो होना चाहिए, वो कम से कम 2 लाख रुपए होना चाहिए। कम से कम 2 लाख रुपए रहेगा तो आप ट्रांसफर कर पाएंगे, ठीक है। और मैक्सिमम आप कितना कर पाओगे, 2000 करोड़ तक। तो एनईएफटी में कितना था, मिनिमम अमाउंट कुछ नहीं था, मैक्सिमम अमाउंट 10 लाख रुपए था। आरटीजीएस में क्या था, मिनिमम अमाउंट आपका 2 लाख रुपए था, मैक्सिमम अमाउंट आपका 2000 करोड़ था, ठीक है। आईएमपीएस पे आते हैं, ठीक है। तो आप गए मार्केट, मार्केट गए, और आपने जाके फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर बंदे से, ये जो बंदा है, ठीक है, शॉपकीपर है मार्केट के अंदर, आपने इससे कुछ कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक खरीदी। अब एज यूजुअल हम सबकी आदत तो रही नहीं है, है ना, हम किसी की भी आदत नहीं रही है कि हम लोग जाके पैसे वैसे कैरी करें। सेलफोन, मतलब आजकल तो ये हो गया है कि पर्स हम ध्यान ही नहीं रहता है, घर ऑफिस से, मतलब घर से निकले तो पर्स जो है ना, नॉर्मली घर पे ही रह जाता है, ठीक है। कुछ इस तरह की हालत अब लोग की, हम सब लोग की हो गई है, लेके चलते नहीं पर्स, है ना। अब जैसे ही आप दुकान पहुंचे, आप भाई पैसे लिए हैं, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको देना ही पड़ेगा, मतलब सामान लोगे तो उसके पैसे तो आपको देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया, दुकानदार से बोला, भाई काम करो सर, आप क्यूआर कोड मेरे को दे दो, ठीक है। दुकानदार क्या करता है, आपको क्यूआर कोड दे देता है, ठीक है। आप क्यूआर कोड दे करते हो स्कैन, ठीक है, पैसे वैसे जो होते हैं आपके अकाउंट से, आप स्कैन करते हो ये क्यूआर कोड, ये वाला, है ना, और आपके अकाउंट से पैसे पहुंच जाते हैं दुकानदार के पास, ठीक है। तो आईएमपीएस जो है, मतलब जो एप्लीकेशन जो आपने अभी देखी, जो आप स्कैन करते हो, ठीक है, जो आप फोन पे स्कैन करते हो, गूगल पे से आप स्कैन करते हो स्कैनर्स, है ना, ठीक है, पेटीएम से आप स्कैन करते हो, है ना, ये सारे लगभग लगभग ये सेम ही टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं ये लोग। सेम टेक्नोलॉजी है जिसको हम आईएमपीएस बोलते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर ये एप्लीकेशन बनी हुई है आईएमपीएस पर, आपका फोन पे, गूगल पे, अमेजोन पे, पेटीएम, ठीक
है, ये सारी एप्लीकेशन सेम उस पे काम करती है। ठीक है, अब होता क्या है गाइस, जैसे ही आपने क्या किया, स्कैन किया, ठीक है, जैसे ही आप स्कैन करोगे होगा क्या, एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी जो जाएगी एनपीसीआई सर्वर। यहाँ पे एक सर्वर रखा रहता है एनपीसीआई का, अभी मैंने सिस्टम बना दिया, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल, ठीक है, पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब क्या होगा, जैसे आपने स्कैन किया, यहाँ पे एक रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी, ठीक है, जो हिट करेगी आपके अकाउंट में जाके, ठीक है। अब आपके अकाउंट जो है वो कहाँ होते हैं, आपके अकाउंट क्या होंगे, सीवीएस जो होता है, कोर बिजनेस सॉल्यूशन हमने पढ़ा था ना, कोर बिजनेस सॉल्यूशन, उससे जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने क्या किया, स्कैन किया, ठीक है, एनपीसीआई क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेज देगा आपके सर्वर को, ठीक है, आप क्या करोगे, पिन डालोगे, आपके अकाउंट से पैसे निकलेंगे, फिर एनपीसीआई के थ्रू ये कस्टमर के अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है, यही सिस्टम है। मतलब जैसे ही आपने क्या किया, स्कैन किया, एक रिक्वेस्ट जो है एनपीसीआई सर्वर को हिट करती है, एनपीसीआई सर्वर क्या करता है, आपके बैंक अकाउंट को हिट करता है, जहां से भी आपने पैसे, जो आपका फोन नंबर है, ठीक है, जो भी फोन नंबर आपका अकाउंट में लगा रहेगा, ठीक है, उस फोन नंबर से ही वो यूपीआई आइडेंटिफाई करेगा कि हाँ जी किस अकाउंट से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, ठीक है, जिस भी नंबर से आपका अकाउंट लिंक रहेगा, तो जिस नंबर से आपका अकाउंट लिंक रहेगा उस नंबर पे जाके वो हिट मारेगा, ठीक है, तो पैसे क्या होंगे, आपके अकाउंट से निकल करके सामने वाले के अकाउंट में चले जाएंगे, ठीक है, ये मोटा मोटा आपको ध्यान रखने का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखा होगा एक्सिस बैंक है, कस्टमर जो आपका शॉपकीपर है उसका एक्सिस बैंक में अकाउंट है, ठीक है, तो आपने जैसे ही स्कैन किया, जैसे ही आपने स्कैन किया, स्कैन कर दी, क्या हुआ, रिक्वेस्ट एनपीसीआई में जनरेट हुई, जैसे ही एनपीसीआई रिक्वेस्ट जनरेट हुई, ठीक है, उसने क्या किया, आपके बैंक अकाउंट को हिट मारा, आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकले, एनपीसीआई गए, एनपीसीआई से सीधा कस्टमर के, सॉरी क्लाइंट के और या शॉपकीपर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, ठीक है जी, क्लियर है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ ये एनईएफटी और आरटीजीएस वाला पंगा नहीं है, ठीक है, ये एनईएफटी और आरटीजीएस वाला हिसाब किताब नहीं है, ठीक है, तो आरबीआई का रोल इधर नहीं है, ठीक है, ये एनपीसीआई अलग ही एंटिटी है, समझ आया, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब अपन को करना है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको अपन को पढ़ना है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, पेमेंट्स, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बेसिकली अपन को पढ़ना। तो अभी एनपीसीआई में पढ़ने से पहले ना मुझे थोड़ा सा आपको ले जाना पड़ेगा कि कंपनी कितनी तरह की होती है, क्योंकि ये जो एनपीसीआई है ना, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है, ये कंपनी है, ये कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुई है, तो जब हम एनपीसीआई पढ़ते हैं तो मुझे एग्जैक्टली ये तो आपको बताना पड़ेगा कि कंपनीज बेसिकली कितनी तरह की होती हैं, कैसी कैसी कंपनीज होती हैं, ठीक है, कंपनी हम आगे भी पढ़ेंगे, जब हम शेयर मार्केट वगैरह पढ़ेंगे ना तो उस टाइम पे मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह की कंपनी होती है, कैसे फॉर्म होती है, क्या रूल्स होते हैं उनके, जो हमारे लिए यूपीएससी के लिए और स्टेट पीएससी के लिए जरूरी है, ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे सीए की तरह कि ये रूल क्या होता है, वो रूल क्या होता है, ये सेक्शन क्या है, वो सेक्शन क्या है, बट हम उससे उतना जरूर पढ़ेंगे जितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी एनपीसीआई के लिए हमें थोड़ा थोड़ा ना नॉलेज जरूरी है, हमें पता रहे कि एनपीसीआई बेसिकली क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर हुआ जैसे मैंने आपको बताया पहले ही, ठीक है, अब है क्या, तो हम जरा टाइप ऑफ कंपनीज देख लेते हैं, कंपनी कितनी तरह की होती है, एक तो कंपनी होती है इस वन पर्सन कंपनी, मतलब एक किसी बंदे ने, ठीक है, कंपनी खोल दी, कंपनी मतलब कंपनी क्या बोलते हो आप, एसोसिएशन बोल सकते हो,
ठीक है, मैं शुरू हो गया कि मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी खोल दी। फॉर एग्जांपल मैं, मेरा जो इंस्टीट्यूट है रविंदर्स, है ना, तो मैंने क्या किया, रविंदर्स नाम से एक इंस्टीट्यूट, एक कंपनी खोल दी। ठीक है, क्योंकि मैंने अकेले ने खोली है, उसमें कोई और है नहीं। ठीक है, तो क्या होगी, 1 पर्सन कंपनी हो जाएगी। ठीक है, मतलब कितने बंदे रहेंगे उसमें, एक ही बंदा रहेगा। ठीक है, तो 1 पर्सन कंपनी में कितने बंदे रहेंगे, एक ही बंदा है। ठीक है, ऐसे एक और कंपनी होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो प्राइवेट जो कंपनी होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो 2 से लेकर के 200 तक हो सकते हैं। ठीक है, सो 1 पर्सन कंपनी में कितने लोग हो सकते हैं, एक। प्राइवेट जो लिमिटेड होती है उसमें 2 से लेकर के 200 लोग तक हो सकते हैं। ठीक है, ये अपन को याद रहना है, 2 से लेकर के 200 या फिर एक बंदा रहेगा 1 पर्सन कंपनी में, जिसको अपन बोलते हैं पब्लिक लिमिटेड। पब्लिक लिमिटेड में 7 से लेकर के अनलिमिटेड लोग रहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी रिलायंस हो गई। ठीक है, रिलायंस है, ठीक है, टाटा है, ठीक है, रिलायंस, टाटा, महिंद्रा, तो उन कंपनीज के नाम लिख रहा हूँ जितने आप लोग जानते हो, विप्रो, ठीक है, HCL, ये सारी की सारी पब्लिक लिमिटेड है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड में क्या होता है, प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनीज हैं जो, मतलब लोग क्या करते हैं आपस में, जो जान पहचान के होते हैं वही लोग क्या करते हैं, आपस में एक गुट बना लेते हैं और एक कंपनी चलाने लगते हैं। ये मार्केट में अपने शेयर वगैरह ऐसे इशू नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी ऐसे शेयर वगैरह इशू नहीं कर सकते। हम डिटेल में पढ़ेंगे गाइस जब हम कंपनीज वगैरह आगे पढ़ेंगे, जब मैं आपको शेयर मार्केट कराऊंगा। और अभी आप मोटा मोटा ये ध्यान रखो कि 1 पर्सन कंपनी एक बंदा होता है, उसमें प्राइवेट में 200 से लेकर 200 लोग तक हो सकते हैं, पब्लिक लिमिटेड में आपके 7 से लेकर के आपके अनलिमिटेड लोग हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और कंपनी होती है जिसको हम बोलते हैं लाभ रहित कंपनी और नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। मतलब ये जो कंपनी होती है इसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, इसका जो मकसद रहता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ठीक है, जैसे आपने नाम सुना होगा GST है। ठीक है, तो GST भी क्या है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। ठीक है, GST हो गई आपकी, ठीक है, NPCI जो है वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, मतलब ये इसको बनाया गया है, ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाया गया। ठीक है, तो ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। अब ये क्यों बनती है, इन्हें कुछ ना कुछ रियायत मिल जाती है, टैक्स में रियायत मिल जाती है, कुछ इनके जो लीगल कंप्लाइंस होते हैं ना, लीगल बहुत सारी चीजें होती है कि जो कंपनीज को करनी होती है। ठीक है, उनमें कुछ इनको रियायत मिल जाती है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, नॉट प्रॉफिट कंपनीज होती है। इसी तरह से क्या है, जो NPCI है आपकी, ठीक है, NPCI भी जो है वो क्या हुई थी, जब इसको बनाया गया था ना, ठीक है, तो 10 बैंक मिली थी आपस में, 10 बैंकों ने मिलके 2008 के अंदर NPCI बनाई थी। ठीक है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग आके मिल गए हैं इसमें, अभी तो बहुत सारे लोग हो गए हैं। ठीक है, जैसे अभी पेटीएम, फोन पे, अमेजोन एक्सेट्रा, ये भी हैं, लगभग 19-20 और बहुत सारी जो बैंक है और भी हैं उन 10 के अलावा, वो भी आके इसमें ऐड हो गई। कौन कौन सी बैंकें थी ओरिजिनली, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी, बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यूनियन बैंक, कैनरा बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC बैंक, सिटी बैंक, HSBC, ये सारी बैंक्स जो थी 10 की 10, इन 10 बैंकों ने क्या किया, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई, लाभ रहित कंपनी बनाई। ठीक है, जिसका नाम बोला NPCI, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, ठीक है, पेमेंट सॉल्यूशंस देना, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशंस देना, मतलब सस्ते से सस्ती पेमेंट सॉल्यूशंस। जैसे अभी आप देख रहे हो, आप पेमेंट ट्रांसफर करते हो, IMPS की भी हमने बात करी है ना, IMPS हो गया, अभी और भी चीजें बताऊंगा जो NPCI ने हमें बना के दी है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था, जो बैंकें आपस में मिली, ठीक है, उन सबका उद्देश्य यही था कि कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन अगर हम दे पाएंगे। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे IMPS है भी, ठीक है, IMPS में फीस नहीं लगती, आप जैसे 1,000 रुपए अगर भेज रहे होते तो 1,000 रुपए पहुंच जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो
ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो सस्ता हो, जिसमें ज्यादा खर्चा ना लगे। भाई कॉस्ट किसी चीज की कम कब हो सकती है? जब उसकी उसको बनाने में खर्चा कम लगे, है ना। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि यही एक सिस्टम बनाने के लिए, ठीक है, यही एक सिस्टम बनाना था, जैसे एक सिस्टम बनाने के लिए अब क्या हो रहा है। सो फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मुझे ना सिर्फ यही करना था, पेमेंट पेमेंट ट्रांसफर करनी मेरे को, ठीक है। अब पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए लेट सपोज मेरा मेरी बैंक है एबीसी बैंक, ठीक है। मैं क्या करूं, एक सिस्टम बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं भी इसमें बड़े सारे बंदे हायर करूंगा, मैं भी कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा एक्स, ठीक है। अब सेम जो फैसिलिटी है कोई दूसरी बैंक लाइक एक्स वाई जेड बैंक है, वो भी देना चाहेगी, है ना। तो वो भी क्या करेगी, सिस्टम्स अरेंज करेगी, सब कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगी, उसके बाद जाके वाई कुछ बनाएगी, कुछ वाई खर्चा करेगी, है ना। ऐसे ही कुछ कोई बैंक हो सकती है डीईएफ, है ना, एचआईजे, तो ऐसी बैंक्स हो सकती हैं, ठीक है, जिन जिनको क्या करना है, एंड रिजल्ट क्या है, पेमेंट सोल्यूशन देना है सबने। इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका सबका ऑब्जेक्ट है पेमेंट सोल्यूशंस देना, किफायती पेमेंट सोल्यूशंस देना, ठीक है। अब अगर ये सारे के सारे पैसे खर्च करें, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज एबीसी वाले ने जब किया तो इसको 10 करोड़ रुपए खर्चा आया, इसने भी किया तो इसको भी 10 करोड़ आया, इसको 5 करोड़ रुपए खर्चा आया, इसको 4 करोड़ रुपए खर्चा है, तो ये वाला जो खर्चा जब हो रहा है, ठीक है, जब ये वाला खर्चा हो रहा है तो ये रिकवर करने की कोशिश करेंगे। जब रिकवर करेंगे तो कहाँ से रिकवर करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, जो लोग यूज करेंगे, जो एंड यूजर्स है ना, मतलब हम जैसे लोग हैं जो तो इसको यूज करेंगे, वही ये सारी फीस पे करेंगे, है ना। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो फैसिलिटीज आपको एंड में मिलेगी वो महंगी हो जाएगी, समझ आ रहा है। नहीं समझ आ रहा, अभी हमने देखा, यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड में बता देता हूँ आपको, हमने भी देखा कंपनीज में, एक तो आपकी होती है 1% कंपनी, जिसमें कितना बंदा होता है, एक ही बंदा होता है, ठीक है, जो कंपनी खोल लेता है, सारे काम वही कर रहा होता है, तो वही हायरिंग वायरिंग जो करेगा वो अपने आप मैनेज कर लेगा, ठीक है, पार्टनर एक ही है। फिर मैंने क्या, हमने क्या देखा, एक हमने देखा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स नहीं मार्केट में डाल सकती, इसके पार्टनर्स हमने देखे 200 से लेके के 2 से लेके 200 तक मेंबर्स इसके हो सकते हैं, वो आपस में मिलेंगे, अपनी अपनी पूंजी डालेंगे, अपनी अपनी कैपिटल डालेंगे और ये कंपनी बना लेंगे, जिसको आप बोलोगे प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश एक समान। फिर है आपका पब्लिक लिमिटेड, अच्छा प्राइवेट लिमिटेड का कोई एग्जांपल मुझे बता सकता है, जैसे बायजूस है, अनअकैडमी है, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड में जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको ऑलरेडी दे दिया था कि कम से कम 7 से लेकर के अनलिमिटेड लोग इसमें हो सकते हैं। जब आपको समझ ही आ गया अनलिमिटेड लोग हो सकते हैं, मतलब ये कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर्स इश्यू कर सकती है, ठीक है, आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। एक और अभी हम कंपनी पढ़ रहे थे, वो क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, ये वो कंपनीज होती हैं बच्चों जिसका काम होता है वेलफेयर करना, ठीक है, वेलफेयर करना इनका इनका काम है, ठीक है। ये प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई जाती, प्रॉफिट के लिए
नहीं बनाई जाती है। ठीक है, सरकार क्या करती है, सरकार इनको टैक्स में राहत दे देती है। ठीक है, और जो रूल्स वगैरह होते हैं ना कि एक कंपनी को ये करना चाहिए, उन रूल्स को भी वो रिलैक्स कर देती है। यहां तक अब समझ आया, आई थिंक ये क्लैरिटी थोड़ी सी आई होगी। अब समझ आ गया ये, मैंने थोड़ा सा और आपको ब्लैंक स्लाइड पे दिखाया तो आई थिंक और ज्यादा समझ आ गया होगा। ना क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं कई बार, कौन सी कंपनी जो है उनमें से कौन सी कंपनी जो शेयर अपने शेयर डिवेंचर्स वगैरह इशू कर सकती है ना, शेयर मार्केट में कौन सी अपनी कंपनी जो है शेयर डाल सकती है। इसमें डाल देगा आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, वन पार्टी वन पर्सन कंपनी, ऐसे करके आपको क्वेश्चन डाल देगा। तो फिर तुम्हें ध्यान रहना रखना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी आपको एक समझ चीज आ गई समझ में कि वो क्या कर रही है, वेलफेयर के लिए बनाई गई है, उसका कोई मकसद एज इट इज प्रॉफिट कमाना नहीं है। ठीक है सर, अब यही दिमाग में थोड़ा सा रखना कि जो आपकी कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, ठीक है, नॉट प्रॉफिट कंपनी है आपकी एनपीसीआई। ठीक है, ये है आपकी नॉट प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, लाभ के लिए नहीं बनाई गई है। ठीक है, ये है आपकी एनपीसीआई, इसका मकसद लाभ कमाना नहीं है, इसका मकसद जो है लाभ कमाना नहीं है, आप ध्यान रखना, इसका मकसद है वेलफेयर करना। ठीक है, लोगों का भला करना इसका मकसद है। जब लोगों का भला करना मकसद है तो क्या करेगी ये, सस्ते में चीजें देगी। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देगी। कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस देगी, सस्ते में, ठीक है, सस्ते में सॉल्यूशंस देगी, सस्ते में टेक्नोलॉजी देगी। ठीक है, अब एक बात मुझे बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम सिर्फ आईएमपीएस की बात करते हैं, एक आईएमपीएस एक टेक्नोलॉजी है, जैसे क्या होता है पेमेंट ट्रांसफर होती है। ठीक है, लेट सपोज थोड़ा सा ये मतलब सपोज कर लो, इस फंक्शन को बनाने के लिए मान लेते हैं 20 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। ठीक है, अब मुझे एक बात, 20 करोड़ रुपए जो खर्च होंगे यहाँ पे, ठीक है, अब 20 करोड़ रुपए कौन करेगा खर्च, ठीक है, 20 करोड़ रुपए कौन खर्च करेगा, 20 करोड़ रुपए ऑब्वियसली बैंक खर्च करेगी, बैंक अगर ये सर्विस देना चाहती है तो बैंक को ये 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। करेक्ट, बैंक को क्या करने पड़ेंगे, 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे उसे आईएमपीएस देना है तो बताओ। करने पड़ेंगे, ऑडिबल ऑडिबल, आम आई ऑडिबल, आवाज आ रही है, पेन गया पेन गया, लग रहा है पेन गया। ठीक है, अब क्या है, लेट सपोज ये एक्स बैंक है, अभी हम आईएमपीएस की हमने बात करी, ये मान के चलो, मान लेते हैं इसको 20 करोड़ रुपए लगेंगे, ठीक है, इस टेक्नोलॉजी को लाने के लिए। ठीक है, अब अगर सारी बैंक अलग अलग काम करेंगी, लेट सपोज एसबीआई ने अलग से काम किया कि उसको टेक्नोलॉजी देनी थी, 20 करोड़ रुपए अलग खर्च किए, है ना, एक और बैंक आई एचडीएफसी, उसने 20 करोड़ अलग से खर्च किए,
आईसीआईसीआई ने अलग से 20 करोड़ खर्च किए। मतलब एक ही सेम सॉफ्टवेयर देखो बन रहा है और उसको बनाने के लिए कितने पैसे खर्च हो रहे हैं, मतलब बढ़ते ही जा रहे हैं। तो इन बैंक्स ने क्या डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, ग्रुप सा बना लेते हैं, ठीक है। जब वो ना ग्रुप बनाया तो उसको क्या बोले, हम कंपनी बोले, ठीक है। और उन्होंने कौन सी कंपनी बनाई, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, लाभ के लिए कंपनी नहीं बनाई उन्होंने। ठीक है, और जिसका मकसद था सस्ती टेक्नोलॉजीज देना, टू प्रोवाइड कॉस्ट इफेक्टिव पेमेंट सॉल्यूशंस, है ना। तो अब क्या होगा, पहले काम अगर 10 बैंकें थी, फॉर एग्जाम्पल 10 बैंक मिलकर के 20 20 करोड़ रुपए लगाती, तो 20 इंटू 10, ठीक है, 200 करोड़ रुपए में बन जाती। बट अभी क्या हो गया, अगर ये सभी बैंकें मिल गई हैं, इन्होंने बोला कि काम करो, अब मतलब एक ही कोई बना लेगा, तो ये एप्लीकेशन 20 करोड़ रुपए में तैयार हो गई, है ना। जब 20 करोड़ में तैयार हो गई तो ऑब्वियसली है, जब ये अपनी सर्विसेज जब अपने ग्राहकों को देगी आईएमपीएस वाली, ठीक है, तो कहाँ 200 करोड़, कहाँ पे 20 करोड़, ठीक है, कहाँ 20 करोड़ रुपए सिर्फ इस बैंक के ग्राहकों में पड़ता है ना। अभी क्या हो रहा है, ये 20 करोड़ सारे बैंकों के ग्राहकों पे पड़ रहा है ना। तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली ये सर्विस जो है वो सस्ती हो जाएगी। ठीक है, आ गया समझ, आ गया यहां तक, इतना समझ आ गया। तो यही क्या हुआ, इन बैंकों ने क्या किया, आपस में मिली, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, यूनियन बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, सिटी बैंक, एचएसबीसी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया है अभी तक कि कौन कौन सी बैंक्स थी, ठीक है। बट फिर भी स्टेट पीएससीज में नहीं पता, बट बहुत पुरानी बात होगी 2008 के, इतना नहीं पूछते हैं, ठीक है। बट फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना, कुछ और लोग भी ऐड हो गए जो भी मैंने आपको बोला था, ठीक है, 18 19 प्लेयर्स और ऐड हो गए, जिनमें पेटीएम भी है, फोन पे भी है, अमेजोन भी है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, कॉस्ट इफेक्टिव सस्ती सेवाएं, सस्ती पेमेंट सोल्यूशन देना बैंक्स के लिए, ठीक है। अब ये देखो आपको क्या लग रहा है, ये इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है ना, मतलब तो सस्ती सेवा दे रहा है, सस्ती बैंकिंग दे रहा है, ठीक है। तो क्या कर रहा है, सस्ती सेवा दे रहा है ना। तो सस्ती सेवा जब मिलेगी तो वो गाँव वहां तक जा सकती है, गांव वाले भी अफोर्ड कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, फाइनेंशियली समावेश कर रही है, फाइनेंशियली इंक्लूजन कर रही है ना। बैंकों को सस्ती सेवा दे रहा है, इससे क्या हो रहा है, बैंक्स जो है अपनी भीम और यूपीआई सर्विसेज के साथ साथ ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, गांव गांव पहुंचने पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है, इधर तो क्लियर हो गया, ठीक है। सो 10 बैंकें मिली, 10 बैंकों ने आपस में मिलके एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी बनाई, है ना, ठीक है। 10 बैंकें मिली, 10 बैंकों ने मिलकर के 2008 में, ठीक है, लाभ रहित कंपनी बनाई, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनपीसी, ठीक है। अब अपन को देखना है इनकी सर्विसेज है कौन कौन सी, कौन कौन सी सर्विस ये हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अभी अपन ने देख लिया था, एक तो सर्विस क्या थी, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, जो हमने पीछे पढ़ लिया हुआ है, ठीक है। हमने क्या देखा था, चेक जो था, ठीक है, चेक में अपन ने क्या देखा था, चेक में देखा था ना कि मतलब फॉर एग्जाम्पल राजेश है कोई, ठीक है, राजेश ने चेक दिया फॉर एग्जाम्पल अजय को, ठीक है, मान लेते हैं इसने 50,000 रुपए का चेक दिया अजय को, अजय क्या जाएगा, अपने बैंक में जाएगा, उसको डिपॉजिट कर देगा। बैंक क्या करेगी, उसकी कॉपी लेगी, कॉपी करेगी, ठीक है, जिस सिस्टम में डालेगी उसको आप सीटीएस बोलते हो, ठीक है। ये जो सीटीएस वाला सिस्टम उस बैंक के साथ कनेक्ट होगा जिसके साथ इसका राजेश का अकाउंट है, ठीक है। वो बैंक क्या करेगी, इसकी पिक्चर उक्चर देखेगी, जो पिक्चर यहाँ से गई थी, लेट्स सपोज ये पिक्चर जो थी P1 थी, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये पिक्चर जो इसके पास कॉपी आई है, ठीक है, वो मैच करेगी, देखेगी, मतलब मैच नहीं करेगी, देखेगी,
ठीक है, और पैसा रिलीज कर देगी। फिर अपन ने देखा था, ठीक है, एक पॉजिटिव पेमेंट मैकेनिज्म भी। उसमें क्या हो रहा था, उसमें एक राजेश जो था चेक दे रहा था, ठीक है, उसका एक फोटो खींच लेता था चेक का, ठीक है, अजय को देने से पहले। और ये जो फोटो था वो क्या कर रहा था, अपनी बैंक को भी इधर भेज देता था, ठीक है। अब जब अजय अपनी बैंक में ये चेक डालता है, ये क्या करेगी, बैंक फिर से कॉपी करेगी और फिर भेजेगी। तो मान लेते हैं ये वाला जो राजेश ने बैंक को भेजा था वो मान लेते हैं P1 था, और ये वाला जो कॉपी भेजा वो P2 था जो बैंक ने भेजा। अगर P1 इज इक्वल टू P2 होगा तो ये चेक बैंक पास कर देगी। अगर P1 इज इक्वल टू P2 नहीं होगा तो ये चेक पास नहीं होगा। ये हमने पढ़ लिया था, ठीक है। वो कौन सा था फंक्शन, दैट वाज द फंक्शन CTS, इसी सिस्टम के थ्रू होता है। ये हमने पढ़ लिया है, चेक इमेज इज सेंट थ्रू दिस सिस्टम एज वी लर्न्ड इन अर्लियर सेक्शन। दूसरा क्या, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है गाइस, जो आपकी, ठीक है, ये पेमेंट सिस्टम जो होता है आधार से इनेबल हो जाता है, मतलब आधार कार्ड लिंक हो जाता है। तो जो बैंक अकाउंट होता है जिसमें तुम्हारा आधार लिंक होगा, ठीक है, उसी के अंदर बैंक क्या, जो गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडीज डालती है। एलपीजी की सब्सिडीज डालेगी, मनरेगा की सब्सिडीज डालती है वो। ये सम्मान निधि अभी आ नहीं रहा है इसके थ्रू, बट ये भी आने के बहुत चांसेस है, ठीक है। अभी क्या कर रही है वो, आधार कार्ड ही सीड करा रही है। हम लोग जो किसान है ना, उनके आधार कार्ड सीड हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आधार कार्ड सीड हो जाएंगे, ठीक है, वैसे ही आपकी ये सर्विस आपको दिखेगी। आधार पे जैसे आप फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट में जाते हैं ना, वहां लिखा रहता है आधार कार्ड से पैसे निकलवाए, वो इसी सिस्टम से होता है, ठीक है। आधार कार्ड जो है ना आपके बैंक के साथ अटैच्ड है, आप अंगूठा लगाओगे पैसा निकल गया भाई, ठीक है ना। सो आधार पेमेंट इनेबल्ड सिस्टम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। इसी तरह से इसका और एक है जिसको हम नेशनल फाइनेंशियल स्विच बोलते हैं। उससे क्या होता है, एटीएम कनेक्ट करती है। जो एटीएम्स आपको देखते हैं मार्केट में, वो एनपीसीआई इसी नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करती है, जिसको हम नेशनल फाइनेंशियल स्विच बोलते हैं। ठीक है ना। तो आधार जो एनपीसीआई है, इसका एक सोल्यूशन क्या है आपके पास, एक तो सीटीएस है, दूसरा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम है, नेशनल फाइनेंशियल स्विच है। इसका एक और फंक्शन है गाइस, ठीक है, एक और कंपनी है इसकी, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, ठीक है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप कभी फोन पे गए होंगे, ठीक है, फोन पे जब आप गए तो आपने क्या किया, जैसे आप अपने घर का बिजली का नंबर डालते हो, जैसे आप नंबर डालते हो तो क्या होता है, फोन पे पे आपको दिख जाता है, ठीक है, फोन पे पे आपको अमाउंट दिख जाएगा, नाम आम दिख जाएगा, कितना अमाउंट पे वो है वो भी आपको दिख जाता होता है। कैसे दिख जाता है, क्योंकि जो फोन पे है वो लिंक होता है भारत पेमेंट बिल पेमेंट सर्विस सिस्टम से। जितने बिल्स होते हैं, जितने बिलर्स होते हैं वो उधर होते हैं, ठीक है। तो आपकी अकाउंट जो स्टेटमेंट है, आपकी जो अकाउंट डिटेल्स है, जो आपको पैसे पे करना रहता है, वो उधर रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये कौन करके देता है इंटरफेस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम। अब अगर आप अभी तक आपने नहीं किया हुआ तो आप करके देखना, ठीक है। अगर आप अपने फोन का बिल भी अगर भरने जाओगे ना, जैसे ही आप अपने बिल का अकाउंट फोन नंबर अकाउंट डालोगे या फोन नंबर डालोगे, वो आपको डिटेल्स दे देता है, ठीक है। फिर आपको थोड़ा दिमाग में आता होगा, यार बिल तो एयरटेल का भरना था मेरे को, मैंने फोन पे डाला, डिटेल्स वहां पे भी आ रही है, ठीक है। तो वो कैसे हो रहा है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम के थ्रू हो रहा है, ठीक है। जैसे आप यूटिलिटी बिल्स हो गए, फोन गैस इलेक्ट्रिसिटी, ये सारे पे कर सकते हो, अमेजोन से पे कर सकते हो, पेटीएम से पे कर सकते हो, फोन पे से पे कर सकते हो, गूगल पे से पे कर सकते हो, ठीक है। इसमें दो दो चीजें होती है, एक आपकी बीपीपीएस होती है, एक आपकी यूपीएमएस होती है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, बीपी जो बीबीपीएस होती है, इसमें आप नॉर्मली अपने बिल्स पे कर सकते हो, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं होती। दूसरे वाले आपके मंथली ऑर्डर्स होते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती है, जहां पे आप बैंक को ऑथोराइज कर देते हो कि जितना बिल आएगा उतना आपके बैंक अकाउंट से काटते, वो यूपीएमएस होता है, ठीक है। ये यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये दोनों में डिफरेंस क्या है, बट आप ध्यान रखना कि बीबीपीएस से क्या होता है, बिल पे होता है, और यूपीएमएस से क्या होता है, आपकी अगर आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी बैंक को बोल दिया कि भाई एक काम करियो, या फिर आपने अपने प्रोवाइडर को बोल दिया कि भाई साहब एक काम करियो, बिजली का बिल जितना आएगा ना, ठीक
ऑटोमेटिकली मेरे अकाउंट से काट देना, ठीक है? तो वो जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन रहेंगी ना, वो यूपीएमएस के थ्रू जाएगा, ठीक है? ठीक है। वैसे ही एक एनपीसीआई की एक और, एनपीसीआई लिख दिया मैंने यहाँ पे, नैक है, एनएसीएच है, दिस इज एनएसीएच, हम गलती से लिख दिए, एनएसीएच है, ठीक है। इसमें हो क्या होता क्या गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अभी मैं, ठीक है, मुझे इंटरनेट का बिल पे करना रहता है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना रहता है ना, गैस का बिल पे करना रहता है, ठीक है। ये अपने मतलब हम लोग छोटे छोटे आदमी है ना, तो उनके इतने नॉर्मली बिल्स रहते हैं, ठीक है, फोन पे फोन का बिल, ठीक है, मोबाइल का बिल, घर का लैंडलाइन का बिल, इंटरनेट का बिल, ठीक है, बिजली का बिल, गैस का बिल, है ना, ये सारे बिल्स रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसानी रहती है, ठीक है यार, ध्यान रहेगा, पे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट हम पहले भी पे कर देते हैं, है। बट जो बड़े लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज अनिल अंबानी साहब है, ठीक है, अब इतने सारे उनके पास जियो के स्टोर्स हैं, है ना, इतनी सारी उनकी कंपनीज हैं, ठीक है, अब वो बेचारे अगर बिल पे करना अगर शुरू करेंगे, है ना, अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही पे करने लगेंगे मुकेश भाई, है ना, तो उनकी सारी जिंदगी तो बिल पे करने में निकल जाएगी, ठीक है। इतने ऑफिसेस हैं दुनिया भर में उनके, अगर वो बिजली का बिल खुद भरने बैठे तो बस हो गया उनका काम, बिजनेस तो क्या भाड़ में बिल ही भर पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, सैलरीज का भी होता है, ठीक है। तो आपने कभी सोचा होगा कि देखो कंपनी में ना, ठीक है, बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज जैसे कि हमारी, मैं विप्रो की बात करता हूँ, विप्रो में भी बहुत सारे एम्प्लॉयज होंगे, मतलब हजारों की तादाद में, ठीक है। और वो क्या करते हैं, अगर आप एक दिन भी अगर आपने छुट्टी मारी है, आपने कुछ हाफ डे लिया है, तो आपकी सैलरी अकॉर्डिंगली कट के आती है, ठीक है। आप अगर 40-50 हजार रुपए लोग, 40-50 हजार लोगों का अगर आपको यही सब कुछ नाटक देखना है, किसने हाफ डे लिया, कौन जल्दी आया था, कौन जल्दी नहीं गया, किसकी सैलरी कट गई है, किसका एडवांस रिकवर होना है, किसका क्या होना है, अगर ऐसे ही अगर आपको करना पड़ा, तो आपको पूरा स्टाफ 40 हजार को मैनेज करने के लिए 5 हजार का स्टाफ और रखना पड़ेगा, गेट माय पॉइंट, ठीक है। तो ऐसे के लिए जो एनपीसीआई की एक सर्विस है, एनएसीएच, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसमें क्या होता है कि आपके जो मंथली बिल्स है ना, उनकी एक बार में ही बल्क में मंथली पेमेंट्स हो जाती है, ठीक है। डिविडेंड्स आप पे कर सकते हो उनसे, जो भी आपके बिजली के बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सॉरी बिजली के बिल, फोन के बिल्स, इंटरनेट बिल्स, ये आप सारे के सारे पे कर सकते हो, सैलरीज, पेंशन, ये सब कुछ आपके एनएसीएच के थ्रू हो जाता है। एक आप एक क्लिक करेंगे और ये सारा कुछ अपने आप पेमेंट हो जाता है, ठीक है। सो ये एनपीसीआई के कुछ मोटे मोटे, ठीक है, सिस्टम सर, कौन सा है, सीटीएस है, हमने पढ़ लिया, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, चेक क्लियर होता है, आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम, इससे सब्सिडीज वगैरह, एलपीजी सब्सिडीज होगी, मनरेगा होगी, है ना, ये सारी सब्सिडीज आधार से लिंक अकाउंट्स में पहुंच जाती है, ठीक है। एनएफएस क्या करता है, नेशनल फाइनेंशियल सर्च नाम है इसका, ये आपका एटीएम्स को कनेक्ट करता है ना, बीबीपीएस आपके बिल्स को पे करता है, आप जाके इंडिविजुअली जाओगे, क्लिक करोगे, ठीक है, क्लिक कर दोगे आप, ठीक है, क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप क्लिक करके तो पेमेंट हो रहा है, एनएसीएच में क्या है, बल्क पेमेंट्स हो रही है, ठीक है, आपने क्लिक किया एकदम से बल्क पेमेंट्स हो गई, ठीक है। यूपीएमएस क्या है, स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, क्लियर है, कूल है। आप भी जरा क्वेश्चन पढ़ो गाइस, और ये क्वेश्चन जो है पढ़ो और इसका आंसर करो, मैं इसको आपको देता हूं, आई गिव यू लाइक 5 मिनट्स, ठीक है, जरा इसको करो, वेलकम, कमिंग 2 मिनट्स।
हाँ ले सही कर लिया आंसर। गया क्वेश्चन क्या है बेसिकली। हाँ तुक्का तो नहीं मारा ना। वीडियो स्टार्ट नहीं हुआ था, मुझे गाड़ी हटाने जाना था। एक बेवकूफ गाड़ी रास्ते में लगा के चला गया, उसकी वजह से 10-12 गाड़ियां इकट्ठी हो गई। नहीं हाँ लुक चेंज थोड़ा सा। नहीं यार यहाँ पे ना दोनों जगह ना इस तरफ इन्फेक्शन हो गया बहुत ज्यादा, इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। अब वो बियर्ड की वजह से नहीं दिख नहीं रहा था यहाँ पे ना बहुत ज्यादा है, इधर भी है और इधर भी है। हाँ एक दो दिन लगेगा, एक दो दिन लगता ही है। ठीक है तो इस तरह का ही क्वेश्चन आता है। एनपीसीआई क्लियर है गाइस? एनपीसीआई नहीं, डेंड्रफ नहीं है, डेंड्रफ टाइप नहीं है, ये जो स्किन है ना स्किन के ऊपर है ये, काफी बड़ा, काफी बड़ा हिंदी में मतलब हो गया दोनों तरफ। आई डोंट नो, मतलब व्हाइट कलर सा है, ठीक है जैसे देखा होगा तो सफेद दाग टाइप में जाते हैं, वैसा इन्फेक्शन टाइप है कुछ दोनों तरफ, इसलिए। ठीक है सो अभी तक आपने देख लिया होगा जो अपडेट भी मैंने किया है, आपके नोट्स वगैरह भी किए हैं, तो उसपे कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको दिखी होगी। ठीक है तो वो एक्स्ट्रा चीजें मैंने जानबूझ के ऐड करी हैं ताकि मतलब क्लास में मुझे बहुत ज्यादा उनको रटवाना ना पड़े, कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है तो वो एक बार देख लेना, है ना। संडे को अपन का इस पे टेस्ट अपन करेगा, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा फैक्चुअल, ये वाला पार्ट इतना फैक्चुअल है। ठीक है विच ऑफ दी फॉलोइंग कंपनीज कैन इशू चेक्स नहीं, कैन इशू शेयर्स एंड मार्केट। ठीक है निम्न में से कौन सी कंपनी मार्केट के अंदर शेयर इश्यू कर सकती है? ठीक है पहला ऑप्शन आपका है वन पार्टी, वन पर्सन कंपनी, जो आज हमने पढ़ी है, दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तीसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, चौथी नन ऑफ द अबव।
का टाइम शुरू होता है अब 30 सेकंड का है। पकड़ लिया। ऐसा ही क्वेश्चन आता है भाई लोग, ऐसा ही आता है। पीयूष के आज के तीन को तीनों के तीनों आंसर करेक्ट है। छोटे भाई ठीक है, सो समझ आ गया लाये। एक बार अपन एनपीसीआई हम लोग दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। एनपीसीआई बेसिकली है क्या, ठीक है, ताकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है आप लोगों पे कि इस पे कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ। हाँ वही है, पब्लिक बोला तो। ठीक है, तो जरा एक बार एनपीएससीआई में दोबारा से आप लोगों को करवा रहा हूँ, क्योंकि इस पे से क्वेश्चन थोड़े से ना उनकी जो हमने टाइप्स देखे थे ना, मतलब सीटीएस वगैरह देखा था, इसके जो डिफरेंट डिफरेंट जो एंटिटीज हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो एनपीसीआई एक बार देख लेते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है, ये क्या हुआ था 2008 के अंदर, ठीक है, 2008 के अंदर। अच्छा एक बात बताओ, सो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आपको पता है अगर मार्केट के अंदर कंपटीशन होगा ना, ठीक है, अगर किसी चीज की कमी होगी, अगर किसी चीज की स्कैसिटी है, कमी है, उसको पाने के लिए लोगों के बीच में क्या होगा, एक कंपटीशन होगा। और कंपटीशन जो है वो उस पर्टिकुलर चीज को, ठीक है, एक तो बेहतर बना देगा, ठीक है, और उसको क्या करेगा, उसके प्राइसेस को बहुत ही कॉम्पिटिटिव बना देगा, मतलब सस्ता भी कर देगा, अफोर्डेबल भी कर देगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ इस तरह की होड़ थी कंपनीज में कि वो चाह रही थी, ठीक है। मार्केट क्या था, धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे मार्केट में कुछ ऐसे सिस्टम्स की, ऐसी टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस हो रही थी, ठीक है, टेक्नोलॉजी की जरूरत महसूस हो रही थी जो आपके पेमेंट्स वगैरह को आसान बना दे। पहले क्या होता था, आप जाओगे है ना, अगर आपको पेमेंट करना है तो आप या तो चेक इशू करोगे, है ना, ठीक है, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाओगे, या फिर आप क्या करोगे, एनईएफटी करोगे, या फिर क्या करोगे, आप आरटीजीएस करोगे, है ना। और ये मतलब बहुत ही टीडीएस टास्क आप इनको बोल सकते हो। तो मार्केट में इन चीजों को सिंपल करने के लिए पेमेंट ट्रांसफर हो गई, है ना, पेमेंट को आप ट्रांसफर करोगे, है ना, पेमेंट्स हो गई किसी आर्टिकल्स के लिए, ठीक है। इन सबको करने के लिए कुछ एक ऐसा ऐसी चीज चाहिए थी जो इनको आसान बना दे, ठीक है। आसान होने के साथ साथ वो किफायती भी होनी चाहिए। ठीक है, आसान प्लस किफायती होना चाहिए। तो बैंक्स जो थी, ठीक है, वो किसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में की खोज में थी जो पेमेंट सिस्टम जो है ना, पेमेंट जो हो रही है उनको आसान कर दे, दूसरा एक किफायती, ठीक है,
मीडियम होना चाहिए, प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, इतना समझ आया। फिर क्या हुआ, कुछ 10 बैंक जो थी आपस में मिली, ठीक है, 10 बैंक आपस में मिलती हैं, लोगे कोई 8:30 हो गई आई गेस।